बरमूडा ट्रायंगल, शायद आपने ये नाम कभी ना कभी सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो आज इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। साल 1945, 5 दिसंबर को दोपहर 2:10, यूएस नेवी की 5 ट्रॉपिडो एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करती है 3 घंटे के रूटीन ट्रिप। ये कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी। इस मिशन को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19, क्योंकि फ्लाइट में टोटल 19 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और फ्लाइट को लीड कर रहे थे चार्ल्स कैरोल टेलर। मौसम क्लियर था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन प्लेन के टेक ऑफ करने के 2 घंटे बाद अचानक से क्रू लीडर अपने कंपास में एक प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं। कंपास काम करना बंद कर चुका था, कंपास का नीडल चारों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था। इसके बाद टेलर अपना बैकअप कंपास भी निकालते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी और सारे इंस्ट्रूमेंट में भी माल फंक्शन देखने को मिली। सारे क्रू मेंबर्स के इंस्ट्रूमेंट के साथ भी यही हाल था। टेलर एक वॉइस मैसेज भेजते हैं कंट्रोल टावर में रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू। मौसम खराब होने लगती है, सूरज ढलने लगता है और चारों ओर अंधेरा होने लगा। शाम 7:04 पर टेलर फिर से वॉइस मैसेज करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू। ये उनकी आखिरी मैसेज थी। इसके बाद 5ों प्लेन्स गायब हो जाती हैं। इसके बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरती है फ्लाइट 19 की तलाश में, वो भी गायब हो जाती है। इस जगह को हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसे लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी शैतानी त्रिकोण। यहाँ से जो भी प्लेन या शिप गुजरती है वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। साइंटिस्ट अभी तक इसके रहस्य का पता नहीं लगा पाई है। लोगों के अनुसार ये एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। एक फेमस इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इसके बारे में बताया। उनके अनुसार जब वो वहाँ से अपने शिप से गुजर रहे थे तो उन्हें आसमान में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और उनका भी कंपास काम करना बंद कर देता है। उन्होंने ये भी बताया कि बिना हवा के समुद्र में अजीब सी लहर उठ रही थी। लोगों का मानना है कि वहाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो लोगों को किडनैप कर लेते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ये दूसरी दुनिया में जाने का एक सीक्रेट दरवाजा है। आप क्या सोचते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए।